जिसकी प्रतीक्षा मैं इतने वर्षों से कर रहा था। आपने सदैव अपने पुत्र का साथ दिया है मां, इसलिए मैं आपको सबसे पहले सूचित करना चाहता था। मैं इस विजय में आपको आरंभ से ही सम्मिलित करना चाहता था मां। पुत्र, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं, किंतु जो मार्ग तुमने चुना है उस पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। अवश्य, किंतु आप ना चाहते हुए भी मेरी विजय में सम्मिलित होंगे, क्योंकि आपसे ही सीखा था मैंने मां कि त्रिदेवों में पारस्परिक निर्भरता है, किंतु इस युद्ध के उपरांत त्रिदेव कभी भी एक साथ नहीं होंगे। समय आ गया है, हमें प्रस्थान करना चाहिए। निघस के आगमन का समय हो रहा है। क्षण आ गया है मां, मुझे उस क्षण की अनुभूति हो रही है जैसे मैं वहीं उपस्थित हूं मां, किसी भी क्षण शंखचूर इंद्र को पराजित कर देगा और साथ ही निघस भी अपने कार्य को संपन्न कर देगा।
शंखचूड़ मेरे मित्र अभी नहीं, अभी नहीं। महादेव का आवाहन व्यर्थ है इंद्र। उठो उठो इंद्र, उठो। देवराज इंद्र, पिछली बार भी हम मिले थे इंद्र इसी अवस्था में, किंतु इस बार परिणाम भिन्न होगा। बुलाओ बुलाओ अपने महादेव को, रक्षा करिए महादेव इसकी। क्या हुआ इंद्र? कहीं तुम्हारे महादेव ने तुम्हारा परित्याग तो नहीं कर दिया? आज लोहितांग की विजय तो निश्चित है। लोहितांग माता पुत्र, प्रभु मेरे किए का दंड यही मिलना है तो केवल मुझे मिले, औरों को नहीं। हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। निश्चिंत रहो लोहितांग, वचन दिया है अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। वचन मैंने भी अपनी बांधवी को दिया है शंखचूड़, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा। इस बार विजय हमारी ही होगी। है ना महादेव? अहंकार के अंधकार में तुम्हें अभी अपने कृत्यों के आगामी परिणामों का बोध नहीं है लोहिता। यदि होता तो तुम ऐसा कदापि नहीं करते। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं महादेव, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संसार पर, आप तैयार तो हैं ना महादेव? समय निकट है। ब्रह्मदेव, आपने वरदान दिया था मुझको कि एक बार जिसको भी चाहूं निकल सकता हूं। आज उस वरदान के फलित होने का समय आ गया है।
नारायण। नारायण